मैं आज इस व्याख्यान में आपको निर्गुण काव्य की प्रमुख विशेषताएं और उनके कवियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। इस व्याख्यान से पहले मैंने आपको बताया था भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों है और आदिकाल के बाद में भक्तिकाल क्यों आया और भक्तिकाल की जो सीमा थी उसके बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको जानकारी प्रदान की थी। अब मैं आपको भक्ति काल की जो निर्गुण काव्य परंपरा थी, यानी निर्गुण काव्य परंपरा और सगुण काव्य परंपरा दो धाराएं थी, तो उन धाराओं में जो निर्गुण जो सभी कवि थे और उन निर्गुण कवि में जो संत परंपरा थी, तो संत परंपरा या सूफी काव्य परंपरा दोनों को मिलाकर के जब निर्गुण काव्य परंपरा चली थी, तो उस परंपरा के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूंगा कि निर्गुण काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषताएं कौन थी। तो विशेषताओं से पहले निर्गुण काव्य परंपरा के अंतर्गत इस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ कवि हुए हैं, जिनमें सबसे पहले है कबीरदास। तो कबीरदास का तो निर्गुण काव्य परंपरा में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और उनके अंतः साक्ष्यों से पता चलता है कि सिकंदर लोदी ने उन पर मनमाने अत्याचार किए थे और उनके हाथ पैर बांध करके गंगा नदी में डुबोने का उल्लेख भी मिलता है और उसको हाथी के पाँव के नीचे दबवाने की चेष्टा भी की गई थी। और सिकंदर लोदी जो 1488 से 1517 ईस्वी तक जिसने दिल्ली के सिंहासन पर राज किया था, तो उसने यानी कबीर पर मनमाने अत्याचार किए थे और कबीर जो जिसकी मृत्यु 1492 ईस्वी में मगर में हो गई थी, तो वो इसी के शासनकाल में मौजूद हुए थे। तो इन्होंने यानी इनका जो जन्म था विधवा ब्राह्मण के गर्भ से हुआ था। इनके पुत्र पुत्री का नाम कमाल कमाली था और जब कहते हैं कि ये मर गए तो हिंदू और मुसलमान उनके शव को लेकर के लड़ने लगे, झगड़ने लगे, तो कहते हैं कि कबीर का जो शव था फूलों का ढेर बन गया था और उसको हिंदू और मुसलमानों ने आधा आधा करके इसको जलाया था और दफनाया था। तो इस प्रकार से यानी कबीर का जो जीवन था वो जीवन बड़ा ही विकट परिस्थिति से भरा हुआ था और उसकी जो रचनाएं थी, कबीर की वाणी है, कबीर की जैसे गोष्ठियाँ हैं, विचारमाला है, इस प्रकार के उनकी रचनाएं थी जो निर्गुण विचारों को लेकर के लिखी गई थी। और अभी उनकी विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। इसके बाद में रैदास भी इसी परंपरा में हुए थे और इसके बारे में तो कहा जाता है कि जो रैदास थे निम्न जाति के थे और वो मीराबाई के गुरु भी थे। और यानी रैदास ने राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में अनेक जगह जगह पर जाकर के इस कबीर की जो परंपरा थी, निर्गुण परंपरा थी, उस परंपरा का समर्थन किया था और इसी परंपरा के तहत इन्होंने इस शाखा का प्रचार प्रसार किया था। इसके साथ ही इस काव्य परंपरा में यानी नानक जी का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और दादू दयाल का भी राजस्थान और पर्वतीय क्षेत्रों में इसका बहुत ही प्रभाव था और उन्होंने भी इस परंपरा का प्रचार प्रसार किया था। मैंने बताया था कि निर्गुण काव्य वो काव्य है जिसमें भगवान को वो सृष्टि के कण कण में मानते हैं, घट घट वासे मानते हैं, वो यहाँ भी है, वहाँ भी है, हर सृष्टि के कण कण में मानते हैं। और ये लोग यानी सगुणवादियों का विरोध करते हैं कि भगवान को ढूंढने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं और जहाँ पर उसको ढूंढोगे वहीं मिल जाएगा। तो इस प्रकार से एक जो काव्य परंपरा थी, उस परंपरा के हमारे विद्वानों ने और रहस्य के आधार पर और उसका निष्कर्ष निकालने के बाद में पता चलता है कि इस काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले इस काव्य की विशेषता थी आस्तिकता, यानी निर्गुणवादी थे ये, भगवान को मानते थे, आस्तिक थे, लेकिन उसका रूप रंग स्वीकार नहीं कर ले, बल्कि वो कहते हैं इसका न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई आकार है, बल्कि वो विश्वास करते थे कि भगवान है और भगवान को अगर सच्चे अर्थों में याद किया जाएगा तो वो भगवान हमारी सहायता जरूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इस विचारधारा को मानने वाले कवि आस्तिक थे, यानी आशावादी थे और हर जगह इसको मानते थे। दूसरी अगर मैं विशेषता बताऊं, बहुदेववाद और अवतारवाद की अवस्था, यानी इस काव्य की दूसरी विशेषता है कि वो भगवान को
अनेक रूप में नहीं मानते, यानी उनका तो एक ही मानना है कि हमारे इष्ट भगवान हैं। अब वो भगवान कौन से हैं, राम हैं, श्री कृष्ण हैं, अल्लाह है, इसके बारे में उनका कोई मत नहीं है, बल्कि वो तो कहते हैं कि भगवान एक है और वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। तो इसलिए बहुदेववाद, और वो कहते हैं कि ये अवतारवाद में भी इनका विश्वास नहीं था, बहुदेववाद यानी जो अन्य भगवान उनको नहीं मानते बल्कि वो एक ही भगवान को मानते हैं। तो दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता थी बहुदेववाद और अवतारवाद में अनस था। तीसरी अगर इसकी विशेषता मैं देखूं तो माया के प्रति सचेत, यानी निर्गुण काव्य की अगर तीसरी कोई प्रमुख विशेषता है तो माया के प्रति सचेत रहने की है। वो कहते हैं कि अगर भगवान को सच्चे अर्थ में प्राप्त करना है तो माया का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि माया वह विकार है जो मनुष्य को अंधकार में डुबो देती है। यानी माया से दूर रह करके अगर कोई व्यक्ति अपने इष्ट को प्राप्त करता है तो उसे इष्ट की जरूर प्रतीति होती है, और माया के प्रति सचेत रहने के लिए इस परंपरा में इसका खुलासा किया गया है, समर्थन किया गया है कि माया व्यक्ति को बाधक बनाती है इष्ट पाने में। तो इस प्रकार से इस काव्य धारा में माया के प्रति सचेत रहने के लिए भी कहा गया है। और अगर इस काव्य की चौथी विशेषता मैं बताऊँ आपको तो गुरु की महिमा, यानी इन लोगों ने यह माना है कि गुरु का स्थान तो इस परंपरा में यानी भगवान से भी बड़ा है। जैसा है निर्गुण कवि ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु यानी व्यक्ति को अंधकार से निकाल करके उजाले में अगर कोई प्रवेश कराना चाहता है तो वो गुरु ही है, यानी गुरु के बिना ये संसार एक अंधेरा मात्र है। अगर जिस व्यक्ति को सच्चा गुरु मिल जाए तो उसे ज्ञान की जरूर से जरूर प्राप्ति होती है। तो इस विचारधारा में गुरु का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। और इसकी अगली विस्तार हठ योग साधना, यानी हठ योग साधना वैसे तो सिद्धों और नाथों के साहित्य से इस परंपरा में ये विद्वान हुई है। है का मतलब होता सूर्य और ठे का मतलब होता चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा की उपासना करना ही हठ योग साधना है। तो इन दोनों की उपासना करने से यानी भगवान की प्रतीति होती है, भगवान जरूर से मिलते हैं। तो इस निर्गुण काव्य पर यह प्रभाव यानी सिद्धों और नाथों की जो उपासना पद्धति थी उसी उपासना पद्धति का इस काव्य में प्रभाव देखने को मिलता है। अगर इसकी अगली विशेषता बताऊं मैं जात पात का विरोध, तो इन निर्गुण कवियों ने यानी निर्गुण विचारधारा के कवियों ने जात पात का विरोध किया है। उन्होंने ये कहा है कि जन्म से व्यक्ति समान है, न उसको कर्मों में बांधा नहीं जा सकता, न वो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, बल्कि वो सभी मानव भाई हैं। न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई बड़ा है, न छोटा है, तो सभी यानी ईश्वर की संतान है। और इसमें जात पात का एकदम से विरोध किया गया है, इसका खुलासा किया गया है। तो इस प्रकार जात पात का विरोध करने वाली ये धारा बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध, यानी निर्गुण काव्य धारा की एक प्रमुख विशेषता है कि रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध करने वाली ये विचारधारा है जो काफ़ी समय से पहले से यानी जात पात के आधार पर, धर्म के आधार पर यानी व्यक्तियों को पगलाया जाता था, उनको विश्वास दिलाया जाता था। तो ये जो परंपरा हुई है इसके जो कवि हुए हैं वो जातवाद का एकदम से विरोध करते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति ने जन्म ले लिया तो वो व्यक्ति सभी समान है, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई नीचा है, न कोई ऊंचा। तो इस प्रकार से जात पात और रूढ़ आडंबरों का विरोध करने वाली ये निर्गुण काव्य परंपरा की भी प्रमुख विशेषता है रहस्यवाद की अभिव्यक्ति। तो इस काव्य धारा में यानी रहस्यवाद देखने को मिलता है। रहस्य मतलब इसके बारे में तो कबीर को हिंदी का प्रथम रहस्यवादी कवि भी हम मान सकते हैं। कबीर अपने प्रियतम के सौंदर्य पर रीझते हैं, मिलन की उत्कंठा प्रकट करते हैं। विरह है, मिलन, आशा, निराशा, वेदना, अभिलाषा के भाव में डूबते उतराते हैं। विरह की व्याकुलता का और वेदना की तीव्रता का रहस्यवादी एक उदाहरण है। तो इसमें कहा है कबीर ने, आँखड़ियाँ जाही पड़ी पंथ निहार निहारे, जीव बड़ियाँ छाला पड़ा नाम पुकारी पुकारे। तो इसमें रहस्य है यानी रहस्यवादी उसकी यह है कि मैंने भगवान को याद किया,
मैंने उसके लिए पूरा यानी समर्पण कर दिया। आँखड़ियाँ झाई पड़ी यानी उस भगवान के इंतजार में, मेरे नेत्र है ना उस भगवान का इंतजार करते रहते हैं, पंथ निहारी निहारी और उस भगवान की आहट में मैं रास्ता उस भगवान से मिलने के लिए खोज रही हूँ, लेकिन वो रास्ता भी मुझे नहीं मिल रहा है। आँखड़ियाँ जिबड़ियाँ छाला पड़ा नाम पुकार पुकारे, और यानी जीभ है उसके छाले पड़ गए नाम पुकारते पुकारते, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो भगवान है, वो इष्ट है, वो मुझे ज़रूर मिलेगा। और इसी प्रकार से उन्होंने रहस्यवाद के अंतर्गत ही एक प्रकार से ये कहा है, दुल्हिन गाहु मंगलाचार हमरे घर आए हो राजा राम भरतार। तो इस प्रकार से भी उन्होंने रहस्यवाद की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया है। और रहस्यवादी उक्तियों का प्रकाशन करने के लिए कबीर ने रूपकों का भी सहारा लिया है, जैसे हंसा प्यारे सरवरी तज कहाँ जाए, जय ही सरवर बिच मोती चुनते बहुविध के लिख कराए। तो इस प्रकार से इन्होंने रहस्यवाद की अभिव्यक्ति का पूरा समर्थन किया है। और रहस्यवाद के आधार पर यानी इसको प्रथम रहस्यवादी कबीर भी इस विचारधारा में हम कबीर को मान सकते हैं। और भजन तथा नाम स्मरण में विश्वास, इस विचारधारा के व्यक्ति यानी भगवान का गुणगान करने में, भजन करने में और नाम स्मरण करने में विश्वास करते हैं कि भगवान का अगर हाथ जोड़ करके हम नाम लेंगे, स्मरण करेंगे, इसका खुले मन से समर्थन करेंगे, तो वो भगवान हमें ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। और भजन तथा नाम स्मरण में विश्वास जिस व्यक्ति का होगा उस व्यक्ति को भगवान आसानी से मिलेंगे। तो ये विचारधारा यानी भजन तथा नाम स्मरण में विश्वास करने वाले विचारधारा है। और अगर इस विचारधारा की अगली विशेषता देखी जाए तो इसमें कहा जा सकता है कि नारी निंदा, यानी इन लोगों ने नारी की निंदा की है, लेकिन ये थोड़ा सा इस काल के लिए, क्योंकि परिस्थितियाँ भी ऐसी थी कि अगर भगवान को प्राप्त करते हैं तो इसमें नारी बाधा बनती है, तो वैसे तो इसको मान नहीं सकते, लेकिन फिर भी इस काव्य को अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो इस काव्य की एक विशेषता मिलती है कि नारी बाधा यानी नारी निंदा, इन लोगों ने नारी की निंदा की है, बल्कि आगे के जो काल हुए हैं, आगे के जो कवि हैं, उन्होंने नारी का समर्थन किया है कि भगवान को प्राप्ति में नारी कोई बाधा नहीं है, बल्कि वो सिद्ध भी सहायक हो सकती है। तो मेरे मत के अनुसार ये विशेषताएँ इनमें थोड़ी सी अच्छी नहीं है नारी निंदा, क्योंकि नारी तो हर जगह यानी सक्षम है और पुरुष से कंधा मिलाकर के चलने वाली है। तो इस प्रकार से फिर भी जैसा हो इसकी विशेषता हम मान सकते हैं, सूफी मत से प्रभावित। अब इस काव्य की प्रमुख विशेषता है कि सूफी मत से प्रभावित, क्योंकि इसके समानांतर एक सूफी काव्य परंपरा चल रही थी, तो सूफी काव्य परंपरा निर्गुण काव्य परंपरा का समर्थन करने वाली एक परंपरा थी। तो निर्गुण काव्य परंपरा पर सूफी परंपरा का और सूफी काव्य पर निर्गुण काव्य परंपरा का जो प्रचार प्रसार, जो आदान प्रदान, वो एक ही बात है कि निर्गुण काव्य परंपरा में इस काव्य परंपरा का भी एक स्थान था। और अगले में इसकी विशेषता लिखूंगा, विरह की मार्मिक उक्तियाँ। विरह वर्णन यानी विरह वर्णन हिंदी साहित्य में तो बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विरह यानी विरह किसको होता है? विरह उसको होता है जो यानी सच्चे दिल से अपने प्रियतम को याद रखता है और उसके लिए सब कुछ समर्पण कर देता है। तो विरह का वर्णन भी इसी सबसे ज़्यादा है, विरह की मार्मिक उक्तियाँ। और अगर इस काव्य की अगली विशेषताएं देखी जाएं तो हम ये भी कह सकते हैं, समाज सुधार में तन्मयता, यानी ये लोग जो निर्गुणवादी थे, जो गुरु थे, जो शिष्य थे, इनकी जो परंपरा थी वो समाज सुधार में विश्वास रखते थे और वो समाज को किसी वर्ग में नहीं मानते, किसी धर्म में नहीं मानते, बल्कि वो कहते हैं कि समाज में अगर व्यक्ति जन्म लेता है तो वो कर्म में बंध करके न, जन्म से मतलब स्वतंत्रता है, तो उस पर कोई अधिकार नहीं थोपे, उस पर कोई यानी निरंकुशता नहीं थोपी जाए, बल्कि भगवान ने जन्म दे दिया तो सभी समान हैं, न कोई छोटा न कोई बड़ा। तो समाज सुधार में उनका विश्वास था, ये जो समाज सुधार मानते थे, ये जो कहते थे कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़ ताते तो चाकी भली पी सखाए संसार, और इसी प्रकार से इन्होंने हिंदुओं को भटकारा कि पत्थर पूजने से क्या होता है, तो पत्थर पूजने से तो बढ़िया है चाकी
जिससे यानी पूरा संसार अन्न पीस करके अपना पेट भरता है। और इसी प्रकार से उन्होंने जात पात के माध्यम से मुसलमानों को भटकारा था और उन्होंने कहा था ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबू को अलास में मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो फिर तेरे पास में। इसी प्रकार से मुसलमानों का भी उन्होंने विरोध किया था कि जो मुसलमान यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए मस्जिद में जा करके बांग लगाते हैं तो ऐसा करने से उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि भगवान तो अगर सच्चे अर्थों में कोई बंदा उसको याद करेगा तो भगवान उसको जरूर से जरूर मिल जाएंगे। और अगली विशेषता है भाषा शैली। तो भाषा शैली के संबंध में यानी भाषा इस काल में जैसे कबीरदास और उसका काव्य है, उनके शिष्यों का जो काव्य है, तो भाषा की दृष्टि से ठीक है खिचड़ी भाषा है, इसको सद्दुकड़ी भी कह सकते हैं, और उसमें ब्रज है, राजस्थानी है, गुजराती है आदि शब्दों का बोलबाला है जो समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस प्रकार से भाषा और शैली की दृष्टि से भी ये साहित्य बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रिय छात्रों, मैंने आज के इस व्याख्यान में निर्गुण काव्य परंपरा थी जो भक्तिकाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य परंपरा थी, और उस काव्य परंपरा की जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं को मैंने एक एक करके आपको बताया है। तो इस वीडियो में मैं आपको आज इतनी ही जानकारी प्रदान करूँगा। धन्यवाद।